अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टेनो वर्क्स। आई एम मोहम्मद वसीम। आज एक और नए टॉपिक के साथ जी स्टार्ट करते हैं। सर्कल, ठीक है जी। सेस सर्कल क्या है जी? सेस सर्कल देखें जी, आ लार्ज सर्कल, अ लार्ज सर्कल, इट इज अ सर्कल नॉट अ लूप, ठीक है। अ लार्ज सर्कल कैन बी एडिड, उसको एड किया जा सकता है इन टू द कर्व हॉरिजॉन्टल एज वेल एज इन टू द स्ट्रेट स्ट्रोक, ठीक है जी। जो है हमारे पास सेस सर्कल, उसको हम जो है वो कर्व, हॉरिजॉन्टल और जो है स्ट्रेट स्ट्रोक में जो है उसको प्लेस कर सकते हैं, ठीक है जी। क्या है सेस सर्कल? देखें, जो सेस सर्कल होगा वो सेस की भी साउंड देगा और सेस की भी साउंड देगा, ठीक है। सेस की और सेस की भी साउंड देगा। कैसा सर्कल है जी ये? देखें जी, ये एस सर्कल से बड़ा है और इसका डायमीटर एस सर्कल से ज्यादा है, ठीक है जी। यह जी आपका सेस सर्कल, ठीक है। सेस की भी साउंड देगा और सेस की भी साउंड देगा। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जी, एग्जाम्पल्स, ठीक है जी। सबसे पहले इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे वर्ड है हमारे पास जी फेसेस, ठीक है जी। फेसेस इसकी हम ड्रा करते हैं आउटलाइन। जैसे वर्ड है हमारे पास जी मैसेज, मैसेज, ठीक है जी, इसकी आउटलाइन ड्रा करते हैं। जैसे वर्ड है जी हमारे पास जी बॉक्सेस, ठीक है जी, इसकी आउटलाइन ड्रा करते हैं। जैसे वर्ड है जी हमारे पास जी लॉसेस, ठीक है जी, लॉसेस, ठीक है जी, इसकी आउटलाइन ड्रा करते हैं, ठीक है जी। जैसे वर्ड है हमारे पास जी, जैसे वर्ड है हमारे पास फेसेस, मैसेज, बॉक्सेस, ठीक है, बॉक्सेस, लॉसेस। जैसे वर्ड है हमारे पास जी सर्विसेज, सर्विसेज, ठीक है जी, सर्विसेज। इन तमाम वर्ड्स की हम जो है वो आउटलाइन ड्रा करते कर देते हैं। सेस सर्कल बड़ा है एस सर्कल से, ठीक है जी। एफ और ये सेस सर्कल और ये ए का वॉवल, ठीक है जी। ये जो है एस सर्कल से इसका डायमीटर ज्यादा होगा, ठीक है। मैसेज एम, ये सेस और ये आपने सर्कल बनाना है, लूप नहीं बनाना है, एम के बाद ए और ये सेस। बॉक्सेस बी के और ये सेस और ये शॉर्ट ओ, ठीक है जी, बॉक्सेस, ठीक हो गया। इस तरह से वर्ड है हमारे पास लॉसेस, एल ये एस और ये शॉर्ट ओ, लॉसेस, ठीक है जी। वर्ड है हमारे पास जी सर्विसेज, एस स्मॉल आर वी और ये सेस, सर्विसेज, ठीक है जी। एस एस के बाद ई फिर आर और उसके बाद जो है हमारे पास वी और ये आई का वाला देगा, सर्विसेज, ठीक है जी। ये थे चंद एक एग्जाम्पल्स जो है वो सेस के हवाले से, ठीक है जी। अगर हमारे पास जो है सेस सर्कल के दरमियान एस, एस ई एस, सेस के दरमियान जो है वॉवल आ जाए, इफ इफ द वॉवल, इफ द वॉवल्स कम इन टू द सेस, सेस के दरमियान वॉवल आ जाए, देन वी प्लेस the vowel inside the ses circle के अंदर आप vowel place करेंगे, ses circle, ठीक है जी। यानी अगर dot vowel आता है तो इस तरह से और dash vowel आता है तो इस तरह से, ठीक है जी, इस तरह से place करेंगे। और ये बात याद रखिएगा, ये तमाम vowels के लिए है except 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 short e, शॉर्ट ई के अलावा जितने भी वॉवल्स होंगे आप उनको सेस सर्कल में प्लेस करके लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे जी हमारे पास एग्जाम्पल है जी, जैसे वर्ड है हमारे पास जी बेसिस, ठीक है जी, बेसिस, इसको देख लेते हैं। जैसे वर्ड है हमारे पास जी इंसिस्ट, ठीक है जी, इसको देख लेते हैं। जैसे वर्ड है हमारे पास जी नेसेसिटी, नेसेसिटी, ठीक है जी, इसको देख लेते हैं। जैसे वर्ड है हमारे पास जी रेजिस्ट, ठीक है जी, इसको देख लेते हैं। जैसे वर्ड है जी हमारे पास सेंसेस, सेंसेस, इसको देख लेते हैं। जैसे वर्ड है जी हमारे पास एक्सरसाइज, एक्सरसाइजेस, ठीक है जी, साइजेस, इसको देख लेते हैं जी।
एक्सरसाइजेस देखें जी, अब बेसिस कैसे लिखेंगे देखें जी। एस और एस के दरमियान आई का वावल आ गया, ठीक है। और मैंने बात बताई है आपको कि सर्कल के अंदर आपने वावल को इंडिकेट करना है, ठीक है जी। बी यस एस, बी के बाद लॉन्ग ए, और एस के दरमियान वावल को इंडिकेट करने के लिए शॉर्ट आई, बेसिस। इंसिस्ट, ठीक है जी, इंसिस्ट यस एस, शॉर्ट आई है, शॉर्ट आई है लेकिन थर्ड प्लेस वावल है तो इधर आ जाएगा। और एस के दरमियान जो है क्या है हमारे पास आई का वावल, इंसिस्ट। Necessity, 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 ठीक है जी। एन के बाद ई है, निसेस, एस और एस के दरमियान आई का वावल है, नेसेसिटी, ठीक है जी। रेजिस्ट, ठीक है जी, रेजिस्ट, री ये सेस सर्कल, ये टी, और आर के बाद ई है और सेस, एस और एस के दरमियान आई का वावल, रेजिस्ट, ठीक है जी। सेंसेस देखते जी, ये शॉर्ट एस एन और ये सेस सर्कल, ठीक है, ठीक है जी। एस, एस के बाद ई है और ई के बाद एन है, सेन और सिस, एस और एस के दरमियान जो है वो ओ का वावल है तो डैश रिप्रेजेंट कर दिया, सेंसेस, ठीक है जी। जैसे वर्ड है हमारे पास जी एक्सरसाइज, ठीक है जी, एक्सरसाइज कैसे लिखेंगे जी, एक्सरसाइज, साइज एस और एस के दरमियान और ई एक्स, एक्सरसाइज, ठीक है जी। ये थे जी चंद एक वॉवल्स जो कि सेस सर्कल के दरमियान जो है हमने प्लेस करने, ठीक है, उनकी एग्जांपल्स जो है वो, ठीक। कुछ शॉर्ट फॉर्म्स देख लेते हैं जी सेस सर्कल के हवाले से, शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है जी, शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है जी। अगर लव्ज आ जाए आपके पास देमसेल्फ, देमसेल्फ, ठीक है जी, कैसे लिखेंगे देखे जी, द और ये सेस सर्कल, देमसेल्फ, ठीक है, ऑन द लाइन, ऑन द लाइन लिखेंगे, ठीक है जी। इसी तरह से अगर आपके पास वर्ड आ जाए जी आवरसेल्फ, आवरसेल्फ, ठीक है जी, कैसे लिखेंगे जी, देखिए आवर थ्रू द लाइन होता है शॉर्ट फॉर्म, और ये सेल्फ, आवरसेल्फ, ठीक हो गया। इसी तरह से एक और वर्ड है, अगर आपके पास आ जाए जी माईसेल्फ, माईसेल्फ, ठीक है, कैसे लिखेंगे, एम अबव द लाइन और इसके साथ एस मिला देंगे, ये माईसेल्फ हो जाएगा, ठीक है। अगर वर्ड आ जाए आपके पास himself, him, H I M, himself, ठीक है जी, तो किस तरह से लिखेंगे इसको, ये देखें जी M on the line him होता है और इसके साथ S मिला देंगे, ये हो जाएगा जी himself, ठीक है जी। अगर आपके पास आ जाए जी as is, इकट्ठा आ जाए तो कैसे करेंगे जी, as इसको above the line लिख देंगे, ये as is हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास आ जाता है जी is as, ठीक है, फिर क्या करेंगे जी, is as से सर्कल को ऑन द लाइन रख देंगे, ये जी is as हो जाएगा, ठीक है। ये थी चंद एक शॉर्ट फॉर्म्स से सर्कल के हवाले से। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं जी स्वे सर्कल, क्या बोलते हैं जी, स्वे, एस डब्ल्यू, स्वे सर्कल, ठीक है जी, स्वे सर्कल, ठीक है। ये भी इसी तरह से हॉरिजॉन्टल कर्व और आप वर्टिकल स्ट्रोक्स में प्लेस कर सकते हैं, ठीक है जी। और स्वे सर्कल लुक लाइक दैट सेस, सेस की तरह का सर्कल होगा, बड़ा सर्कल होगा, ठीक है जी, तो इसको आप जो है वो स्वे सर्कल बोलेंगे, ठीक है जी। अब सेस और स्वे में फर्क क्या है, वो साउंड का फर्क है, वहां सेस साउंड है, यहाँ स्वे साउंड है, ठीक है जी। जैसे वर्ड है हमारे पास जी स्वीप, स्वीप, ठीक है जी, इसकी आउटलाइन बनाते हैं। जैसे वर्ड है जी हमारे पास स्वीट, ठीक है जी, इसकी आउटलाइन बनाते हैं। जैसे वर्ड है जी हमारे पास जी स्विम, स्विम, इसकी आउटलाइन बनाते हैं। जैसे वर्ड है जी हमारे पास स्विंग, इसकी आउटलाइन बनाते हैं। जैसे वर्ड है जी हमारे पास स्विच, स्विच, ठीक है जी, इसकी आउटलाइन बनाते हैं। जैसे वर्ड है हमारे पास जी स्वीटेस्ट, स्वीटेस्ट, ठीक है जी, इसकी आउटलाइन बनाते हैं, ठीक है जी। जैसे वर्ड है हमारे पास जी स्विफ्ट, स्विफ्ट, ठीक है जी, इसकी आउटलाइन बनाते हैं। अच्छा जी, स्वीप को देखें, लार्ज सर्कल होगा, ठीक है जी, एस, एस ये स्वे हो गया, स्वे के बाद पी, ठीक है, ये हो गया स्वे, स्वे, स्वे के बाद लॉन्ग ई है इसलिए थ्रू द लाइन, और पी से पहले लॉन्ग ई है इसलिए स्वीप, ठीक है जी, स्वीट, ठीक है जी, स्वे सर्कल और ये टी, ठीक है जी, ये सर्कल है, ठीक है ना, इसको आपने सर्कल बनाना है, ठीक है, स्वीट, स्वे सर्कल और टी से पहले लॉन्ग ई, स्वीट, ठीक है जी, स्विम, स्विम, स्वे सर्कल, स्वे सर्कल बनाना है आपने, स्वे के बाद आई है फिर एम है, लिहाजा शॉर्ट आई, स्विम। अच्छा, स्विंग, स्विंग देखा जी,
स्वे सर्कल और ये इंग हो गया, और स्वे से स्वे इंग है तो स्वे और ये इंग हमने लिख दिया आई एन जी फॉर्म के साथ स्विंग, ठीक है जी। स्विच देखें जी, स्विच ये स्वे सर्कल और ये चे, चे से पहले आई है स्विच, ठीक है जी। स्वीटेस्ट ये बिल्कुल स्वीट की तरह से है लेकिन एस टी लूप आ जाएगा एंड में, स्वीटेस्ट, ठीक है जी। स्विफ्ट स्वे सर्कल एफ और ये टी, ठीक है, और यहाँ शॉर्ट आई स्विफ्ट, ठीक है जी। यह था जी हमारा स्वे सर्कल, ठीक है जी। सेस और स्वे में फर्क क्या है, सेस और स्वे में फर्क यह है कि वहां सेस की साउंड है और यहाँ स्वे की साउंड है, शेप दोनों की सेम है, ठीक है। साउंड से आपने फिर डिफरेंशिएट करना है दोनों के दरमियान। अब इसके कुछ फ्रेजेस पढ़ लेते हैं, ठीक है जी, फ्रेजेस स्वे के हवाले से, ठीक है जी। अगर आपने लिखना हो जी एज वी हैव, बड़े इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है, अगर आप जो है इस इन फ्रेजेस को अप्लाई करेंगे तो आपकी स्पीड जो है वो बूस्ट हो सकती है बहुत ज्यादा। जैसे अगर आपने लिखना हो एज वी हैव, देखें सेस सर्कल के साथ अगर आप वी ऑन द लाइन लिख देंगे तो ये कहलाएगा एज वी हैव, ठीक है जी। अगर आपने लिखना हो जी एज वी थिंक, ठीक है जी, एज वी थिंक, ठीक है जी। अगर सेस सर्कल के साथ इथ ऑन द लाइन रख देंगे आप तो ये कहलाएगा जी एज वी थिंक, ठीक है जी। अगर आपने वर्ड लिखना हो जी एज वी मे, ठीक है जी, इसको कैसे लिखेंगे, सेस सर्कल के साथ एम अबव द लाइन कर देंगे तो ये कहलाएगा जी एज वी मे, ठीक है जी। इसी तरह से अगर आपने लिखना हो जी एज वी नो, ठीक है, अगर आपने लिखना हो एज वी नो, स्वे सर्कल के साथ एन अबव द लाइन कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा जी एज वी नो, ठीक है जी। अगर आपने लिखना हो जी एज वी आर, ठीक है जी, सेस सर्कल के साथ आर अब इस तरह से ड्रा कर देंगे तो ये हो जाएगा जी एज वी आर, ठीक है जी। तो ये थे हमारे पास चंद एक फ्रेजेस, ठीक है जी। अगर जो है सेस के साथ कुछ जो है देख लेते हैं कुछ शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है जी, शॉर्ट फॉर्म्स। अगर आपने लिखना हो जी दिस इज, ठीक है जी, दिस इज लिखना हो, क्या लिखना हो जी, दिस इज लिखना हो तो क्या करेंगे, देखें जी ये आपकी बेस लाइन आ गई, द के साथ सेस सर्कल को मिला देंगे दिस इज हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने इसको करना हो जी दिस इज द करना हो तो क्या करेंगे जी, द के साथ सेस और उसको थोड़ा बाहर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा जी दिस इज द, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने लिखना हो जी दिस सिटी लिखना हो, दिस सिटी, ठीक है जी, इसी तरह से अगर आपने दिस सिटी लिखना होगा दिस के साथ एस एस और दिस और इसका सिटी का ये सी, इन दोनों को आपस में कंबाइन करके और टी थ्रू द लाइन कर देंगे, ये हो जाएगा जी दिस सिटी, ठीक है जी। इसी तरह से अगर आपने वर्ड लिखना हो जैसे हमारे पास है जी यूनाइटेड स्टेट, ठीक है जी, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है जी, एन के साथ अगर आप सेस सर्कल डाल देंगे और उसके नीचे दो डैशेस डाल देंगे तो ये कहलाएगा यूनाइटेड स्टेट, ठीक है जी। अगर आपने लिखना हो जी न्यू यॉर्क, ठीक है जी, न्यू यॉर्क लिखना हो, ये एन और उसके साथ ये को इस तरह से ड्रा कर देंगे तो ये कहलाएगा जी न्यू यॉर्क, ठीक है जी। अगर आपने लिखना हो जी लार्जेस्ट, ठीक है जी, जे के साथ एस टी लूप अबव लाइन डाल देंगे, ये कहलाएगा जी लार्जेस्ट, ठीक है जी। इसी तरह से अगर आपने वर्ड लिखना हो जैसे जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसको कैसे लिखेंगे जी, ये देखें एन, ये सेस सर्कल और ये के और इसके नीचे दो डैशेस, ये कहलाएगा जी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है जी। ये थी स्वे सर्कल के हवाले से चाहे शॉर्ट फॉर्म्स जी। अब कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं वावल की इंडिकेशन के हवाले से, वावल इंडिकेशन, ठीक है जी। वावल की इंडिकेशन जो है एस सेस और एस टी लूप में किस तरह से हमने करनी है, ठीक है जी। उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल ये है कि अगर आपका जो एस लूप है अगर वो पहले आ जाए, अगर वो सबसे पहले आ जाए, बिगनिंग में आ जाए, तो उसको आपने पहले पढ़ना है, ठीक है। और अगर आपका एस लूप वावल के बाद आता है, ठीक है जी, तो आपने एस जो है वो एस सर्कल ड्रा नहीं करना, आपने जो है वो एस का स्ट्रोक ड्रा करना है, ठीक है जी। इफ एस सर्कल और लूप कम्स फर्स्ट देन इट रीड फर्स्ट,
ठीक है जी, इसको पहले पढ़ा जाएगा, ठीक है। इफ दी एस, अगर एस कम्स, अगर एस आए, इफ एस कम्स आफ्टर दी वॉवल, अगर वो वॉवल के बाद आया एस, देन तो हम क्या करेंगे, वी ड्रा दी स्ट्रोक, तो हम एस का स्ट्रोक ड्रा करेंगे, ठीक है जी। अब एग्जांपल देख लेते हैं चंद एक, देखे जी, अगर वर्ड है हमारे पास सेक, सेक, ठीक है, इसमें एस पहले आ रहा है तो एस को पहले पढ़ेंगे और एस को बढ़ाएंगे भी पहले, ठीक है जी। देखे जी, ये एस, एस और ये के, लेकिन ये शॉर्ट ए है लिहाजा बिगनिंग पे लगेगा। देखिए हम नजर ऐसे आ रहा है कि ए पहले एस बाद में, लेकिन एस को पहले पढ़ेंगे, ठीक है ना, ठीक है जी, सेक, ठीक है। इसी के अगेंस्ट अगर मैं एक और वर्ड लिखूं जैसा, जैसे हमारे पास है जी आस्क, ठीक है, वर्ड है आस्क। अब इसमें देखें वावल पहले आ गया है, एस बाद में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के लिए मैंने क्या बताया था जी, इफ द एस कम्स आफ्टर द वावल, अगर एस वावल के बाद है तो हमने क्या करना है, स्ट्रोक, स्ट्रोक ड्रा करना है, ठीक है जी। देखिए जी, ये बेस लाइन होगी एस के और ये शॉर्ट ए आस्क, ठीक है जी। इसी तरह से वर्ड अगर हमारे पास आ जाए जी, जैसे वर्ड है हमारे पास जी स्लिप, ठीक है जी, स्लिप, स्लिप के अगेंस्ट, जैसे स्लिप के अगेंस्ट, ये स्लिप हो गया, स्लिप के अगेंस्ट एक वर्ड आया था हमारे पास अस्लिप, अस्लिप, इन दोनों में क्या फर्क है, ठीक है जी। देखें जी, एस पहले आ गया लिहाजा एस को पहले पढ़ेंगे और बनाएंगे भी पहले, एस एल पी और ये लॉन्ग ई, स्लिप, ठीक है। अस्लिप किस तरह लिखेंगे, देखें जी, अब यहाँ वावल पहले आ गया, एस सर्कल बाद में आ गया, ठीक है जी, एस एल पी और ये वावल, जहां वावल्स आ रहे हैं वहां हम स्ट्रोक बना रहे हैं इसका, ना के सर्कल, ठीक है जी, ये आपने बात ध्यान रखनी कर लेनी है, ठीक है जी। इसी तरह से वर्ड है हमारे पास जी, जैसे वर्ड है हमारे पास सम, सम और दूसरा वर्ड है जी हमारे पास एज्यूम, ठीक है जी, इनके अंदर क्या फर्क है, देखें जी, सम एस पहले आ गया लिहाजा एस एम, एम से पहले यू है लिहाजा यू, लेकिन अब यहां जाहिर इस तरह से हो रहा है कि यू पहले फिर एस बाद में, ठीक है, ऐसा नहीं है, एस को पहले पढ़ेंगे फिर वॉवल एम, सम एज्यूम, वर्ड आ जाइए एज्यूम, कैसे लिखेंगे, वॉवल पहले आ गया एस बाद में, तो एस एम शॉर्ट ए और ये यू का वॉवल एम से पहले, एज्यूम, ठीक है जी। इसी तरह से वर्ड आ जाए अगर आपके पास जी, जैसे हमारे पास वर्ड है जी स्कोप, एस के ओ पी ई, स्कोप, ठीक है जी, क्या वर्ड आ जाए जी हमारे पास, स्कोप, ठीक है जी। और उसके अगेंस्ट एक और अगर इसी तरह का वर्ड आ जाए, जैसे वर्ड है हमारे पास जी एस्केप, ठीक है जी, एस्केप, इसको कैसे लिखेंगे, देखिए जी, एस पहले आ गए एस के पी, एस के बाद, एस के बाद के बाद फिर ओ है, स्कोप, ठीक है, स्कोप, एस्केप, देखिए वॉवल पहले आ गया एस के पी और ये शॉर्ट, शॉर्ट ई, ठीक है ना, शॉर्ट ई, एस्केप, ठीक है जी, एस्केप, ठीक हो गया जी। इसी तरह से वर्ड है हमारे पास साइड, एस आई डी साइड, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, और इसी के अगेंस्ट अगर वर्ड हो असाइड, साइड, एस पहले आ गया एस, एस के बाद जो है, ठीक है जी, एस आई, एस के बाद आई फिर डी, साइड, असाइड अगर हमारे पास आ जाए तो असाइड को कैसे लिखेंगे, अ एस और ये डी, डी के साथ जो है वो फिर आई आ जाएगा, ठीक है, असाइड, ठीक हो गया जी। तो इस तरह से है कि अगर एस पहले आएगा तो हमने सर्कल बनाना है, ठीक है, अगर एस वॉवल के बाद आएगा तो हमने स्ट्रोक बनाना है, ठीक हो गया जी। ये था जी पहला प्रिंसिपल जी। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि इफ इफ एस सर्कल और लूप कम्स एट एंड, अगर एंड में है देन इट रीड, तो हम उसको पढ़ेंगे, देन इट रीड एट लास्ट, सबसे आखिर में हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। इफ दी वॉवल, अगर वॉवल आ जाए, इफ वॉवल, इफ वॉवल कम्स, इफ वॉवल कम्स आफ्टर एस, एस के बाद अगर वॉवल आ जाए एंड में, इफ दी वॉवल कम्स आफ्टर एस एट दी एंड, एंड में, देन फिर क्या करेंगे, देन वी ड्रा, तो हम ड्रा करेंगे, ड्रा दी स्ट्रोक, ठीक है जी, स्ट्रोक हम ड्रा करेंगे, ठीक हो गया जी।
समझ आई वाली बात। एस सर्कल अगर एंड में आएगा तो हमने क्या करना है जी, हमने जो है वो एस सर्कल को एंड में पढ़ना है, ठीक है। अगर एस सर्कल के बाद एंड में जो है हमारे पास वावल आ गया तो हम जो है उसको वहां स्ट्रोक ड्रा करेंगे। जैसे वर्ड है हमारे पास जी बीज, बीज, ठीक है जी। कैसे पढ़ेंगे इसको, इसी के अगेंस्ट वर्ड है जी बिजी, ठीक है जी। क्या वर्ड है जी, बिजी। अब बीज और बीजी में फर्क क्या है, देखें यहां एस आ गया, यहां एस के बाद वावल आ गया वाई का। अब देखें यहां क्या करेंगे हम, बीज लॉन्ग ई के साथ बीज, ठीक है। एंड में पढ़ा है हमने एस को, ठीक है, लेकिन यहां इंडिकेट ऐसा है क्या, वॉवल पहले है, ठीक है। अब बिजी, बिजी अगर हमने लिखना हो ब जी एस और आई का वॉवल और यह वाई का वॉवल, वाई के वॉवल को इंडिकेट करने के लिए हम जो है वो एस का जो है वो पूरा स्ट्रोक बनाएंगे, ठीक है जी। इसी तरह से वर्ड है हमारे पास जी पुलिस, पुलिस, ठीक है, पुलिस और पॉलिसी, ठीक है जी, पुलिस एंड पॉलिसी, ठीक है जी। जैसे वर्ड है हमारे पास जी लेस, और उसके अगेंस्ट जो दूसरा वर्ड है वो है हमारे पास लेजी, ठीक है। तो ये चलो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए पुलिस, यहाँ वॉवल नहीं है, यहाँ एस का साउंड है एंड में, ठीक है, जो एस हमने पुलिस, ठीक है जी, ओ का वॉवल और एल और आई का वॉवल पुलिस, ठीक है। पॉलिसी अगर ड्रा करना है तो यहाँ वाई एंड में, तो आपने यहाँ क्या ड्रा करना है, यहाँ आपने एस का कंसोनेंट ड्रा करेंगे, पॉलिसी, ठीक है जी, पॉलिसी, पॉलिसी, ठीक है जी। वाई का वॉवल इंडिकेट करने के लिए डॉट, पॉलिसी। अच्छा जी, लव्स हमारे पास लेस, लेस, ठीक है जी, लेस, ठीक है जी, लेस। अगर इसी के अगेंस्ट अगर हमारे पास वर्ड आ जाएगी लेजी, कैसे लिखेंगे, एल जी और ये वाई, ठीक है जी, लेजी, ठीक हो गया जी। तो एंड में अगर आपके पास एस सर्कल आएगा खाली, तो आपने एस सर्कल को ड्रा करना है और एस सर्कल को जो है एंड में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर एस के बाद अगर वाई आ जाता है आपके पास या कोई भी वॉवल आ जाता है, तो आपने वहां एस का कंसोनेंट ड्रा करना है, एस का स्ट्रोक ड्रा करना है, ठीक है जी। रूल नंबर थ्री है जी, इफ इफ वॉवल्स, इफ वॉवल कम इन बिटवीन, इन बिटवीन द एस टी लूप, एस टी लूप के दरमियान अगर वावल आ जाए, देन वी डिड नॉट, वी डिडेंट ड्रा, हम ड्रा नहीं करेंगे एस टी लूप, हम एस टी लूप ड्रा नहीं करेंगे, उसको स्प्लिट करके लिखेंगे, ठीक है जी। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे हमारे पास है जी डिपोज्ड, डिपोज्ड, ठीक है जी, और डेपोजिट, डेपोजिट, ठीक है जी। क्या फर्क है, देखा जी, डिपोज्ड यहां कोई वावल नहीं है, एस टी है खाली, देखा जी, डिपोज्ड, डिपोज्ड, ठीक है, डिपोज्ड, ठीक है। अब यहां देखें एस और टी के दरमियान में वावल आ गया, तो यहां हमने क्या करना है, स्प्लिट कर देना, ऐसी लूप नहीं बनाना, डिपोजिट, ठीक है जी। देखें जी, यहां हमारे पास एस के बाद आई का वावल है और फिर टी है, तो हमने यहां एस टी लूप नहीं बनाना, ठीक है जी। डिपोज्ड, डेपोजिट, अपोज्ड, अपोज्ड, ठीक है जी, ठीक है, अपोज्ड एंड अपोजिट, ठीक है जी, अपोज एंड अपोजिट, इसको कैसे बनाएंगे और अपोज्ड को कैसे बनाएंगे, देखें जी, अपोज्ड, ओ पी और एस टी, अपोज्ड, ठीक है, अपोजिट, एस और टी के दरमियान में आई का वॉवल आ गया, देखें जी, पी एस टी ओ का वॉवल, अपो और एस और टी से पहले आई का वॉवल, अपोजिट, ठीक है जी, अपोज, अपोजिट। जैसे वर्ड है हमारे पास जी वास्ट, वास्ट एंड विजिट, ठीक है जी, फास्ट एंड विजिट, इसमें फर्क देखें। अब देखें यहाँ कोई वॉवल नहीं है एस टी लूप के दरमियान में, वी एस टी लूप, इसलिए बना दिया जी एस टी लूप। अगर यहाँ एस और टी के दरमियान में वॉवल आ गया तो स्प्लिट कर देंगे, यहाँ वॉवल आ गया, ठीक है, विजिट, वी जिट, ठीक है जी, ठीक है जी, विजिट, आई का वॉवल आ जाएगा और थ्रू द लाइन लिखेंगे इसको, विजिट, ठीक है जी, विजिट, विजिट। सुना से वर्ड है हमारे पास बेस्ट, बेस्ट एंड बीसेट, बीसेट, बेस्ट, देखें जी एस टी के दरमियान में कोई वॉवल नहीं है, बी के बाद ई है और बी सेट के दरमियान में ई का वॉवल है, बी सेट, बी के बाद ई और एस के बाद ई और टी से पहले ई, बी सेट, ठीक है जी। तो एस टी लूप के दरमियान में अगर वॉवल आ गया तो आपने स्प्लिट कर देना, एस टी लूप बनाना नहीं है, ठीक है जी, अगर वॉवल नहीं आया तो आपने एस टी लूप बनाना है। अच्छा, प्रिंसिपल नंबर फोर क्या है, इफ
प्रिंसिपल नंबर फोर है इफ इफ देयर इज नो प्लेस, कोई प्लेस नहीं है फॉर प्लेसिंग दी वॉवल, देन तो आप क्या करेंगे, देन वी ड्रा, तो हम ड्रा करेंगे वी ड्रा दी एस एस स्ट्रोक, एस का स्ट्रोक ड्रा करेंगे, नॉट अ सर्कल, ठीक है जी। जैसे वर्ड है हमारे पास एस, देखिए जी अ का वॉवल और एस, अगर मैं एस का सर्कल बना देता हूं फिर ये जो शॉर्ट अ है ये कहां डालूंगा, ठीक है जी। तो एस कंसोनेंट बनेगा और यू को प्लेस करने के लिए हम यहाँ यू का वॉवल डालेंगे, ठीक है जी। एस जैसे वर्ड है हमारे पास से, ठीक है जी, से एस, एस के बाद ए, अगर मैं एस का सर्कल डालता हूं तो फिर ये वॉवल कहां जाएगा, ठीक है जी। जैसे वर्ड है हमारे पास सो, ठीक है जी, एस ओ सो, ठीक है जी। जैसे वर्ड है हमारे पास सी, ठीक है जी, लॉन्ग ई का वॉवल है एस, एस के बाद लॉन्ग ई, ठीक है जी, सी इजी एस ई और ये एस के बाद लॉन्ग ए, इजी जी। कुछ स्पेशल फ्रेजेज हैं वो अपने ध्यान में रख लें, स्पेशल फ्रेजेज ये आप अपने कॉपी पे नोट कर लें, स्पेशल फ्रेजेज इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपके पास वर्ड आ जाए जी टू मच, का अगर वर्ड आ जाए तो कैसे लिखेंगे, देखें जी टू एम और ये चे टू मच, ठीक है जी। अगर वर्ड आ जाए आपके पास जी हाउ मच, कैसे लिखेंगे, देखें हाउ की शॉर्ट फॉर्म एम और ये चे, ठीक है जी। अगर वर्ड आ जाए आपके पास एज मच एज, ठीक है जी, कैसे लिखेंगे, एज मच एज, ठीक है जी, एज चे और ये एज, एज मच एज, ठीक है जी। अगर वर्ड आ जाए अगर आपके पास जैसे एज इन एज मच, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, एज इन एज मच, ठीक है जी, एज इन एज मच। अच्छा अगर वर्ड आ जाए आपके पास जैसे सो मच, इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है जी, देखिए जी एस एम और ये चे सो मच, ठीक है जी। अगर वर्ड आ जाए आपके पास एज मच एज पॉसिबल, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, एज मच एज पॉसिबल, इसको कैसे लिखेंगे जी, देखें जी एज मच एज, ठीक है जी, सॉरी इस तरह से एज मच एज पॉसिबल, ये एज मच, ये एज और ये पॉसिबल, ठीक है जी, एज मच एज पॉसिबल। इसी तरह से अगर वर्ड आ जाए आपके पास एज अर्ली, एज पॉसिबल, ठीक है जी, एज अर्ली एज पॉसिबल, इसको कैसे लिखेंगे जी, एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है जी। अगर वर्ड अगर आपके पास आ जाए जैसे एज फार एज पॉसिबल, इसको कैसे लिखेंगे, एज फार एज पॉसिबल, ठीक है जी, एज फार एज पॉसिबल, ठीक है जी। तो ये था जी हमारा वॉवल की इंडिकेशन के हवाले से, ठीक है जी। जी तो हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है, आज हमने पढ़ाया जी सेस और स्वे सर्कल, ठीक है जी। सेस और स्वे की सेम शेप है, बस डिफरेंस जो है वो साउंड का है। शॉर्ट फॉर्म्स हमने पढ़ी हैं, कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़ी हैं, और ये वॉवल की इंडिकेशन के हवाले से जो प्रिंसिपल मैंने पढ़ाया है इनको आपने जहन नशीन कर लेना है और याद कर लेना है, ठीक है जी। और ये शॉर्ट फॉर्म्स भी और स्पेशल फ्रेजेज भी, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच आज तक के लिए, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।